नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, जिस घर में हनुमान जी के इस मंत्र का जाप होता है वहां किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है दोस्तों। जी हां दोस्तों, हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। जी हां दोस्तों, हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। जो भक्त सेवा भाव से हनुमान जी की सेवा करता है वो हनुमान जी की दया रूपी छांव में निश्चिंत हो जाता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का भय या डर उस जातक को नहीं डराता। हनुमान जी को प्रसन्न करना अत्यधिक सरल है। किसी भी विघ्न में हनुमान जी का स्मरण निर्विघ्न कर देता है। हनुमान जी सभी सिद्धियों के दाता हैं। उन्हें प्रसन्न करके कोई भी सिद्धि व शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। हनुमान जी की कृपा से मिलेगी अष्ट सिद्धि नवनिधि। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी हैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। हनुमान साधना से पूर्व कुछ नियमों का ध्यान अवश्य रखें दोस्तों। पूजन के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, निश्चल सेवा भाव रखें तथा क्रोध व अहंग से पूर्णतः दूर रहें। हनुमान जी को घी के लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित करें। तामसिक भोजन का परित्याग करें। अनुष्ठान के दौरान यदि संभव हो तो नमक का प्रयोग भी न करें या मंगलवार के दिन व्रत करें। उस दिन नमक सेवन न करें। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए इसे रखें अपने पास। हनुमान साधना। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को राम भक्त अत्यधिक प्रिय हैं। तुलसीदास जी ने राम का स्मरण किया, उन्हें हनुमान जी सहज प्राप्त हो गए। अतः रामायण का पाठ नित्य प्रेम पूर्वक करें। पूजन का समय एक ही रखें, बार बार न बदलें। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा। यहाँ जिस राम रसायन के बारे में बताया गया है दोस्तों, वो राम नाम का जाप ही है। इसे अपने गले का हार बना लीजिए, आप हनुमान जी के चहेते बन जाओगे दोस्त। हनुमान चालीसा का प्रभाव अत्यधिक चमत्कारी है। इसका नित्य 11 बार पाठ करिए, हनुमान जी खुद प्रसन्न होंगे। हनुमान साधना के कुछ तांत्रिक प्रयोग व मंत्र हैं जिनको साध कर हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ बीज मंत्रों के बारे में वर्णन कर रहा हूं दोस्तों, जिनमें से किसी भी मंत्र का जाप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से लाल आसन पर हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर लाल चंदन की माला अथवा मूंगे की माला पर नित्य 11 माला 40 दिन करने से सिद्धि प्राप्त होती है दोस्तों। ओम हूं हूं हनुमते फट, ओम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। जी हाँ दोस्तों, इन तीन मंत्रों का जाप करेंगे आप तो आपको बहुत फायदा प्राप्त होगा दोस्तों। ध्यान से सुन लें मंत्र, ओम हूं हूं हनुमते फट। दूसरा, ओम पवन नंदनाय स्वाहा। और तीसरा है दोस्तों, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। अष्टदशाक्षर मंत्र अत्यधिक चमत्कारी एवं हनुमान जी की कृपा देने वाला है दोस्तों। मंत्र महोधि में वर्णित है कि जिस घर में इस मंत्र का जाप होता है वहाँ किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। धन संपन्नता व खुशियाँ सर्वत्र फैली हुई हैं। नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र के देवता हनुमान हैं, ऋषि ईश्वर हैं, हूँ बीज हैं, स्वाहा शक्ति हैं तथा अनुष्टुप छंद है। इस मंत्र का 10,000 बार जप करना चाहिए तथा दशांश हवन करना चाहिए।
हनुमान जी के कुछ प्रसिद्ध मंत्र जिनकी साधना करने से समस्त प्रकार के दुख व संकट हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। 41 दिनों तक नित्य 3 या 7 माला घी का दीपक जलाकर उसके सम्मुख जाप करें, संयम पूर्वक इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगाय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय वज्रदेहाय वज्रनखाय वज्रसूखाय वज्ररोमणे वज्रनेत्राय वज्रदंताय वज्रकराय वज्रभक्ताय वज्ररामदूताय वज्रभक्ताय रामदूताय स्वाहा। हनुमान चालीसा केवल एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपके घर में खुशियों का खजाना भर जाएगा। आज हम लेकर के आप सभी के लिए आए थे दोस्तों हनुमान जी की आराधना के लिए, कैसे हम करें उनकी आराधना जिससे वो खुश होकर के सारे वर ऐसे हमें दें कि हम खुश और मस्त रह पाएं दोस्तों, सुख से हमारा घर भरा रहे। अगली बार हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे दोस्तों ऐसे ही कुछ और धार्मिक और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।